देख बिना ब्रेक डाउनलोड तक ऐप। एक तरफ जापान सरकार भगोड़े बिजनेसमैन और निसान के पूर्व प्रमुख कार्लोस घुसन की तलाश में जुटी है, तो वहीं दूसरी तरफ लेबनान की राजधानी बैरूत में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कार्लोस ने अपने मंसूबों को साफ कर दिया है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में घुसन ने जापान सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि उन्हें जापान से निष्पक्ष जांच की उम्मीद नहीं है, इसलिए उन्हें फरार होना पड़ा। पहली बार जापान से भागने के बाद निसान के पूर्व प्रमुख कार्लोस घुसन मीडिया के सामने आए थे, जहां उन्होंने खुद का बचाव करते हुए अपना पक्ष रखा। हालांकि इस दौरान उन्होंने ये नहीं बताया कि वो जापान से कैसे भागे और उनको भागने में किसने मदद की। लेबनान में कार्लोस घुसन की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद जापानी सरकार ने भी प्रतिक्रिया देने में देर नहीं की। जापान में वित्तीय गड़बड़ी का मुकदमा झेल रहे घोसन पिछले महीने 29 दिसंबर को लेबनान भागे थे, जिसके बाद बुधवार को पहली बार वो सामने आए और बैरूत में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। घोसन वित्तीय अनियमितता के आरोपों में जापान में मुकदमे का सामना कर रहे हैं। जापान की मीडिया के अनुसार घोसन एक बक्से में छिपकर प्राइवेट जेट से ओसाका से इस्तांबुल गए, वहां से वो 30 दिसंबर को बैरूत पहुंचे।